हम वकील के ऑफिस से जाए, इसका किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए, सिकंदर को भी नहीं। ठीक है मॉम। तुम लोग फ्रेश होके आओ, मैं देखती हूँ सिकंदर क्या कर रहे। मैडम वो मिसेस जहां आ रही हैं, काफी देर से ड्राइंग रूम में आपका वेट कर रही हैं। क्या तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब से मैं उनका इंतजार कर रही हूं, मुझे अब बता रहे हो? हद हो गई है। मैडम बाहर आइए, जल्दी कीजिए, भाई चाबी दीजिए। रोशनी मैडम आ गई है, आप जाइए यहाँ से। क्या आज जो कुछ स्टोर रूम में मैंने देखा वो सब मॉम जानती हैं? क्या मॉम को मालूम है कि पापा की पहली मम्मी रोशनी आंटी से हुई थी? ये किस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं? आंटी मॉम से नफरत कर गई और मॉम वो बेचारी तो पूरी जिंदगी इन लोगों के नाम कर चुकी हैं। मुझे आज ही मॉम को रोशनी आंटी के बारे में सब बताना होगा। मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। मॉम मुझे आपको सॉरी कहना था। आई नो कि शायान ने आपको खाना खाते हुए बहुत डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें तो बहुत अच्छा लगा शायान को अपने हाथ से खाना खिला के। बहुत सालों के बाद ऐसा लगा कि हम अपने आबान को अपने हाथ से खाना खिला रहे। भाभी, भाई साहब के जाने के बाद आप इतना बिजी हो गई बिजनेस में और अपने आप को एस्टैब्लिश करने में कि आपके पास टाइम कहाँ था आबान को खाना खिलाने का? जब ही तो रोशनी, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अब अपनी हर ख्वाहिश शायान पर पूरी करें। वो भी तो हमारे आबान जैसे ही हैं। भाभी आपने भी तो अपनी सारी खुशियां कुर्बान की हैं आबान की खातिर। अब अगर ऑफिस की मसरूफियत की वजह से आप उसे टाइम नहीं दे पाए तो ये भी तो आबान की खुशियों की तकमील की खातिर। हमें लगता है कि दुनिया में आपसे ज्यादा आबान से कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ माँ होती है। थैंक्स सिकंदर, बस ये बात आप हमारे आबान को भी समझा दीजिए। अरे भाभी रहने दें, ये समझाएंगे? इनके तो दिमाग में तो सिर्फ शेर और शायरी रहती है, ये समझाने लगे आबान को। रोशनी देखें भाभी देखें, फिर गोलाबारी शुरू हो गई और आप ही हमें बचा सकती हैं इनसे। रोशनी आज सारी जिंदगी गुजार दी आपने सिकंदर के साथ, ऐसे लगता है कि आप उनकी बीवी कम और टीचर ज्यादा है। आपको नहीं पता वो ऐसे ही हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। इनको बताएं कि हम अमान भाई के कितने लाडले थे, कितना प्यार करते थे वो हमसे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सिकंदर आप, अमान ने आपको अपने बेटों की तरह प्यार किया। भाभी आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने भी हमेशा हमें माँ बनकर पाला। अरे कहाँ सिकंदर, कुछ नहीं किया हमने। तो सिकंदर अंकल इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे एक चचा नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखा भाभी कितना शैतान हो गया ये। चले आप लोग बातें करें, मैं जरा निम्मो को देख लूं, मुझे लगता है शयान को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई है। हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये अबान तो बिल्कुल शायान का बचपन है। शायान बिल्कुल हमारे अबान जैसे हैं।
हम जानते हैं निम्रा कि हमने अनजाने में आबान का बहुत दिल दुखाया है। बचपन में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो हमने अपनी दुनिया ही अलग कर ली, और अमान के साथ साथ हमें भी मस करने लगे। एहसास है हमें, लेकिन अमान की अचानक डेथ के बाद सब कुछ हमें ही संभालना था, और हमने इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में दिन रात बहुत मेहनत की। बस इसी में हम आबान को टाइम नहीं दे पाए, और आहिस्ता आहिस्ता आबान हमसे दूर होते रहे। मॉम, आप प्लीज ऐसा मत सोचें। जो वक्त गुजर गया है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, माजी को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसको हम अपनी तमन्नाओं और आरज़ुओं के मुताबिक जी सकते हैं। आप बहुत अच्छी हैं निम्रा, आपसे बेहतर लड़की हमारे आबान को मिल ही नहीं सकती थी। हमारे आबान को संभालने और उनकी लाइफ को मुकम्मल करने के लिए बहुत शुक्रिया बेटा। आबान ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल किया है, मेरे बिखरे हुए वजूद को समेटा है, आप सबने मुझे इतनी इज्जत दी है, बहुत शुक्रिया। I'm so proud of you, Amra. अब हमें इस बात का यकीन है कि हमारे आबान को आप हमारे बाद बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, उनकी खुशी का, उनकी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे। ऐसी बातें ना किया करें। अच्छा चले एल्बम देखते हैं, मैं भी तो देखूँ इनकी शैतानी। तुम ये इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या आबान ने कमरे से निकाल दिया? आबान मुझे कमरे से क्यों निकालने लगा आंटी? ये मेरा घर है, मेरा जब दिल करेगा, जहां दिल करेगा, जो मर्जी करूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हारा ही तो घर है, जो जी चाहे करो, जहां जी चाहे बैठो, क्योंकि ये गलत फहमी अभी कुछ दिनों में ही दूर होने वाली है। So ये गलत फहमी आपकी भी तो हो सकती है कि मैं इस घर से कहीं जाऊंगी। रोशनी गलत फहमी नहीं पालती है, रोशनी पर बात करती है, और रोशनी से टकराने वाले मौत के लिए तरसते हैं, और मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। आंटी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और आपको एक बात बताऊं, निम्मो को मौत से डर नहीं लगता, और आप जानती हैं जिन लोगों को मौत से डर नहीं लगता ना, वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं तो बस यूं ही बता रही थी आपको। चले मैं चलती हूँ, गुड नाइट।